हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानू और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे दिवाली पे आटे के नमक पारे कैसे बनाएं। अगर मैं आपकी इसका क्रिस्पीनेस बताऊँ तो कुछ इस तरह इसकी क्रिस्पीनेस है। तो चलिए, ये मैंने नमक पारे जो हमारे करी लीव्स होती है ना, मीठे नीम के पत्ते और गेहूं के आटे से बनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने करीब 1 किलो आटा लिया है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ये मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, यानी करी लीव्स, जो फ्रेश करी लीव्स होती है ना, वो ली है। और साथ ही साथ मैंने एक कटर लिया है। अब मैं इन फ्रेश करी लीव्स को इस कटर में अच्छे से कट कर दूंगी। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। देखिए, इतनी बारीक बारीक हमें पीसनी है। आप मिक्सर में मत कीजिएगा, वरना उसका पेस्ट बन जाएगा। अब ये आटा ले लिया है, उसमें मैंने करी लीव्स का जो छोटी सी चॉप्स की थी ना, वो डाल दी है। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। आपने जितना आटा लिया है उस हिसाब से मोयन डालें। मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया था। अब उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अंदाज से अजवाइन डाली है। करीब 1 किलो आटे में मुझे 3 चम्मच, 3 जो छोटे चम्मच होते हैं ना, वो अजवाइन लगी है। और साथ ही साथ मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार डाला है। दोनों ही हाथों से इसको थोड़ा ऐसे मिक्स कर दीजिए और क्रम्बल कर दीजिए। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दीजिए और इसका आटा गूंद लीजिए। ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कड़क उसलना है हमें इसका आटा। आप देख सकते हैं हमारा आटा इसका लग चुका है। आप देख सकते हैं करीब 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक हम इसको रेस्ट पे रहने देंगे, फिर हम इसकी नमक पारे बनाएंगे। अब करीब आधे घंटे बाद मैंने इस आटे की लोई ले ली है और आप इसको ऐसे बेल दीजिए। आप चाहें तो कटर से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी जो इंडियन तरीका है। इसकी एक पतली सी रोटी बना दीजिए कुछ इस तरह, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्यूटीफुल कलर आया है। इस तरह इस रोटी को फैला दीजिए, और चाकू या फिर आपके पास कोई भी शार्प्ड स्पैचुला है तो आप उससे इसकी कटिंग कीजिए कुछ इस तरह। ये है इंडियन ट्रेडिशनल नमक पारे का लुक। आप चाहें तो इसको कुकी कटर या फिर कोई सा भी शेप का कटर, मेरे पास भी शेप कटर थे, लेकिन मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इजी हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कुछ इस तरह ये कट हो चुके हैं। अब आप इसको थोड़ी देर सुखा दीजिए। ये देखिए, मैंने इस पे सुखा दिया था। थोड़े जब ये सूख जाते हैं तब आप अपना कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म कर दीजिए, और ये नमक पारे रेडी है डीप फ्राई के लिए। आप इसको थोड़े थोड़े करके डालिए और लो मीडियम फ्लेम पे इसको क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। ये जैसा मैंने तरीका बताया है छलनी से ऐसे करने का, उससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये नमक पारे। और कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये नमक पारे आपने गेहूं के आटे के बनाए हैं। तो जब ये देखिए कुछ इस तरह फ्राई हो जाएंगे, तब हमें उसको कढ़ाई से निकाल लेना है और इसके ऊपर चाट मसाला या फिर जिरावन लगा दीजिए। तो रेडी है हमारे करी लीव्स या फिर मीठे नीम के पत्तों के गेहूं के आटे से बने नमक पारे। जब आपके दिवाली पे गेस्ट आएंगे, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये गेहूं के आटे के बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा।